अगर आप लोगों को मेरी हालत मजदूरों वाली लग रही है तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने रोड ट्रिप की। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, अब रोड ट्रिप कहाँ पे है, कहाँ जा रहा हूँ, वो एक सस्पेंस है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको सारा पता चल जाएगा, फिलहाल सारी तैयारी करते हैं। तो मैं इतना बता देता हूँ कि जितना भी ये रोड ट्रिप है ये मेरी बाइक पर होगा और मेरे साथ वसीम भाई हैं जिनको आपने व्लॉग में देखा हुआ है, मैं, वो और शायद एक बंदा और उसका भी अभी डाउट है। तो हम तीन बाइक्स पे जा रहे हैं, एक पहला रोड ट्रिप करने जा रहे हैं और आई होप बड़ा ज़बरदस्त रहे। तो उस हिसाब से हम चीज़ें वगैरह सेट करनी है, ज़्यादा बल्की नहीं करना बैग। तो फिलहाल ये सब सामान है, अभी तक तो यही मिला मुझे जो कि मैंने रखना है। एक शलवार कमीज़ ज़रूर रखनी है क्योंकि जहाँ जा रहा हूँ वहाँ शलवार कमीज़ पहनने का शशका आएगा। बाकी ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रहा हूँ कुछ ऐसा सामान एक्स्ट्रा ना रखूँ जो कि रखने में मसला हो, क्योंकि बाइक है, बाइक पे सफ़र करना है और बस इजी रहे सब कुछ। तो दुआ में याद रखिए। चेक करें, मैंने अपने कपड़े रख लिए हैं और इसको कहते हैं कमांडो मास्टर रोल। ये इस तरह से टी शर्ट्स रोल होती हैं और ये इतनी कम जगह लेती हैं कि आप जितनी मर्ज़ी टी शर्ट्स रख सकते। तो ये मैंने सीखा था मैट डिवेला से, क्योंकि वो इसी तरह से सारी अपनी पैकिंग करता है, द मिनिमल गाय। और ये सारा सामान तो मैंने रख लिया है, अब एक्सेसरीज़ की बारी आती है और एक्सेसरीज से मुराद है मेरी एक्सेसरीज़, टॉयलेट्रीज, ये टॉवल, अब वो रखना है, उसके बाद फिर इक्विपमेंट रखना है। पैकिंग हो चुकी है मेरी, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये लेंस क्लीनर कहते हैं इसको, और ये माइक्रोफाइबर है फॉर लेंस क्लीनिंग और फ़ोन वगैरह क्लीन करना हो, तो ये बहुत एसेंशियल चीज़ है। तो ये मेरे साथ ज़रूर जाती है, कहीं पर भी जाऊँ ये साथ ज़रूर जाती है। दूसरी बात यह है कि मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है, मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की तरफ, क्योंकि बाइक पे जाना है, उसको सारा साफ़ करना, उसका ऑयल लेवल चेक करना है, उसका थोड़ा बहुत चेक करना है कि कोई मसला वगैरह तो नहीं है उसमें। वैसे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा चेकअप कर लेते हैं उसका। अच्छा, मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस ऊपर थोड़ी सी डस्ट आई हुई है वो साफ़ करनी है और ऑयल का लेवल चेक करना है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव लेनी है, क्योंकि टायर का प्रेशर काफ़ी दिन से चेक नहीं किया, बाकी सब बेहतरीन है। सबसे पहले ऑयल का लेवल चेक करेंगे। वैसे मैंने बाइक पे इतने पैसे लगाए नहीं हैं, जो कल वसीम भाई ने पैसे लगा दिए ना अपनी बाइक पर, लिटरली बड़ी ज़बरदस्त उनकी बाइक हो गई है। और ट्रिप पर पहले दिन मैं आपको उनकी बाइक भी दिखाऊँगा, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। और मुझे उन्होंने कहा था कुछ चीज़ें करवा लो, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी मुझे। ऑयल मैंने चेक कर लिया, ऑयल का लेवल भी पूरा है और ऑयल फ्रेश भी है, तो ऑयल की टेंशन नहीं है। और बाकी इसको साफ़ करना है और साफ़ करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चार घंटे के खज्जल खराबी के बाद बाइक भी साफ़ हो गई है, उस पर वैक्स लगा दिया है, वो भी बेहतरीन हो गया। और एक और मसला आ रहा था एक चीज़ का, वो कल आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन वो मसला अब हल हो चुका है। अब थोड़ा सा रिस्क है उस मसले में, अब हल हो गया लेकिन इतना मज़ा नहीं आ रहा लेकिन वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाएगा। सो ये सीरीज़ आपने पूरी देखनी है, एपिसोड वाइज ये सीरीज़ आएगी इंशाल्लाह, कल रवानगी है और काफ़ी इंजॉय करना है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग वेरी सून, अस्सलाम वालेकुम।
Thank you.